नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम थिंक लाइक अ मॉन्क के समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मिस्टर जय शेट्टी हैं, जिन्होंने एट रूल्स ऑफ लव जैसी बेहतरीन किताब लिखी है। लेखक मॉन्क रह चुके हैं और एक अद्भुत लाइफ कोच के साथ साथ ऑन पर्पज जैसे पॉडकास्ट के होस्ट भी हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद हम जान सकेंगे कि हमें मॉन्क बने बिना मॉन्क की तरह क्यों और कैसे सोचना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र जैसे फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल में हम मॉन्क की तरह सोचकर असीम आनंद और शांति का लाभ उठा सकेंगे। तो अब आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, और अपने दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। थिंक लाइक अ मॉन्क लेखक के आश्रम के अनुभव और उनके अनेक गुरुओं द्वारा दिए गए जीवन के ज्ञान पर आधारित है। यह किताब 11 चैप्टर्स में बांटी गई है। आइए बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में। चैप्टर 1, आइडेंटिटी। हमारी पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में मेथड एक्टर्स हैं और अलग अलग लोगों के सामने उनके सहूलियत के हिसाब से अपनी अदाकारी दिखाते हैं, और इससे हम अपनी वास्तविक पहचान को कहीं खोते चले जाते हैं। हमें अपने वास्तविक पहचान को बनाए रखने के लिए हमारे मन को अंदर और बाहर से साफ करने की जरूरत है। जब हम संसार की व्यर्थ की राय, अपेक्षा और बाध्यता को अनसुना और अनदेखा करके अपने अंतर्मन को सुनना शुरू करते हैं, उस वक्त हम हमारे सार्थक जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। हम अपने वैल्यूज की सही पहचान सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। हमें अपने अंतर्मन से यह 3 सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने खाली वक्त में क्या करते हैं, हम किसी भी प्रकार के मीडिया पर कितना वक्त बिताते हैं, हम अपने पैसों को कहां और कैसे खर्च करते हैं। इन सवालों का जवाब ही हमें हमारे सही मूल्य का ज्ञान करवाता है। हमें हमेशा निडरता, मन की पवित्रता, कृतज्ञता, बलिदान जैसे उच्च मूल्यों को अपने चरित्र का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमारा ऐसा चरित्र हमारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छे लोगों को हमसे जोड़ता है। हमारे वैल्यूज हमारे शिक्षा और संस्कृति द्वारा स्थापित होते हैं, और हमारे वैल्यू और एक्शंस का मेलजोल ही हमारे जीवन के सही चुनाव को सुनिश्चित करता है। सामने वाले के हाई वैल्यूज की पहचान के लिए हमें अपने अंतर्मन से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारा उनके साथ बिताया गया वक्त अच्छा और प्रोडक्टिव था। अगर जवाब हाँ है तो हम सही व्यक्ति के साथ हैं, और अगर जवाब ना है तो हमें तुरंत उनसे दूरी बनाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे वो हमारे वैल्यू के हिसाब से हो, ना कि दूसरे द्वारा हम पर थोपा गया हो। हमें अपने वैल्यूज को और गहराई से परखने के लिए अपने सोच से नकारात्मकता को खत्म करने की जरूरत है। चैप्टर 2, निगेटिविटी। हमें इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के अंदर बुराई से ज्यादा अच्छाई होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है, और हमारा ऐसा दृष्टिकोण हमें अपनी अच्छाई को भी पहचानने में मदद करता है। हमें तुलना, शिकायत और आलोचना करने से बचना चाहिए। यह हमारे मन के कैंसर होते हैं। जब हम गॉसिप को अनसुना करके उसमें भाग नहीं लेते, उस वक्त हम सामने वालों को यह यकीन दिला रहे होते हैं कि हम उनके बारे में भी पीठ पीछे गॉसिप्स नहीं करते हैं। हमें नकारात्मकता को जड़ तक जाकर उसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे बातचीत, भावना और क्रिया में नकारात्मकता 3 डर की वजह से झलकती है। पहला है हमारे साथ कुछ गलत होने का काल्पनिक डर, दूसरा है किसी के द्वारा हमें प्यार न करने का डर, और तीसरा है हमारे बेइज्जती होने का डर। हम इन 4 निर्देशों का पालन करके बाहरी नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पहला निर्देश है, हमारे साथ गलत व्यवहार करने वालों के बर्ताव से दुखी हुए बिना हमें उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। दूसरा निर्देश है, अपने एक्शन से हर बार हमें दुखी करने वालों से हमें धीरे से दूरी बनाकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। तीसरा निर्देश है, हमें खुश मिजाज और आध्यात्मिक व्यक्ति से दोस्ती करके उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। चौथा निर्देश है, हमें लोगों की सहायता तभी करनी चाहिए जब हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम सहायता करने में सक्षम हैं। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और बदला जैसे अंदरूनी नकारात्मक भाव को हम स्पॉट स्टॉप स्वैप के प्रोसेस से खत्म कर सकते हैं। स्पॉट जिसमें भावना और मुद्दों से अवगत होकर, स्टॉप भावना उत्पन्न कहां से हुई यह जानकर, और स्वैप तुरंत अपने रवैये में सकारात्मक बदलाव लाकर अंदरूनी नकारात्मकता को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हमें क्षमा करने की आदत को स्वीकारना चाहिए। जब हम सामने वाले को क्षमा करते हैं तब हमें मानसिक शांति का एहसास होता है। आत्मग्लानी होने के स्थिति में हमें स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए।
चैप्टर 3 फियर। हमारे पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा डर हमें हमारी असल क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें बचपन से ही यह बताया जाता है कि डर एक नकारात्मक भाव है। हमारी असली परेशानी डर नहीं बल्कि गलत चीजों का डर है। डर इतना भी बुरा नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। हमारा डर एक वार्निंग सिस्टम की तरह होता है, एक गाइड की तरह होता है, जो हमें आने वाले मुश्किलों का पूर्वानुमान करवाता है। और जब हम अपने डर को एक प्रेरक की तरह देखते हैं, उस वक्त हम किसी भी परेशानी का समाधान खोज सकते हैं। जब हम शांत दिमाग से अपने डर के जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं, उस वक्त ही उसके पीछे छिपे वास्तविक कारण को पहचान पाते हैं। हम अपने डर को औजार की तरह प्रयोग करके अपने जीवन का महान उद्देश्य पहचान सकते हैं। हमारा दिमाग वास्तविक और काल्पनिक डर के बीच के अंतर को नहीं पहचान पाता है, और कभी कभी काल्पनिक डर हम पर ऐसे हावी होता है जैसे कि वास्तविक। हम उन स्थितियों से भी डरते हैं जो ना तो हुई है ना ही कभी होगी। ऐसे में हमें उस डर के जड़ तक पहुंचकर यह सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई में यह डरने वाली बात है। जब हम कठिन समय या वास्तविक डर का सामना करते हैं, तब हमें अपने असीमित क्षमता का पता चलता है और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हमारे जीवन में आने वाले हर तनाव और चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे आंधी की हवा पेड़ों को। आम तौर पर डर के स्थिति में हमारी 4 भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमें हमारे डर को प्रोडक्टिवली यूज करने से रोकती हैं। पहला घबराहट, दूसरा स्तब्धता, तीसरा भाग जाना और चौथा दफन करना। हमें इन प्रतिक्रियाओं से बचकर अपने डर को स्वीकार करना चाहिए, उसके पैटर्न को पहचानना चाहिए, और ऐसा हम डर लगने वाले परिस्थितियों को चिन्हित करके कर सकते हैं। हमें डिटैचमेंट के प्रैक्टिस को आजमाना चाहिए, जिसमें हमें अपने सारे सामान, संबंध, संपत्ति को किराए का सामान समझना चाहिए। यह हमारे डर को कम करने में मददगार होता है। हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, यह हमारा डर, चिंता, घबराहट का सबसे बेहतर निदान है। आइए अभी इस एक्सरसाइज को आजमाकर देखते हैं। अपनी सांसों को 4 तक की गिनती में अंदर लें, 4 तक की गिनती तक रोक कर रखें और 4 तक की गिनती में बाहर छोड़ें। ऐसा 10 बार दोहराइए और अभी तुरंत हम हल्का महसूस करेंगे। चैप्टर 4 इंटेंशन। हमारे दिमाग में हमेशा हमारे आदर्श जीवन की छवि रहती है, फिर चाहे हमारा रिश्ता हो या हमारा काम, हमारा लक्ष्य हो या फिर हमारा किसी वस्तु विशेष के प्रति झुकाव। और हम यह सोचते हैं कि इन सबको हासिल करके मिलने वाली सफलता ही हमारे प्रसन्नता का मुख्य कारक होगी, लेकिन हमारा ऐसा सोचना एक माया है, एक इल्यूजन है। वास्तविक प्रसन्नता के लिए हमें हमारे प्रेरणा स्रोत पर विचार करना चाहिए। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि अपने लक्ष्य के लिए काम को करने में हम उसके नतीजे से प्रभावित हैं या उस नतीजे तक पहुंचने वाले प्रक्रिया से। याद रहे, सफलता प्रसन्नता को सुनिश्चित नहीं करती है और प्रसन्नता सफलता की मोहताज नहीं होती है। हमें सफलता और प्रसन्नता के अंतर को समझना चाहिए। सफलता का मानक ढेर सारा पैसा कमाना, सम्मान कमाना और संपत्ति बढ़ाना है, और प्रसन्नता का मानक अपने लिए अच्छा महसूस करना, मजबूत रिश्ते बनाना, इस संसार को बेहतर जगह बनाना है। प्रसन्नता और तृप्ति केवल मन को वश में करने और आत्मा से जुड़ने में आती है, ना कि वस्तुओं या उपलब्धियों से, क्योंकि भौतिक सुख बाहरी है और मन की प्रसन्नता आंतरिक। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 मोटिवेटर्स होते हैं। पहला डर, जैसे गरीबी और असफलता का डर। दूसरा इच्छा, जैसे सफलता, धन और आनंद के माध्यम से व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा। तीसरा कर्तव्य, जैसे कृतज्ञता, उत्तरदायित्व और सही काम करने की इच्छा से प्रेरित। और चौथा प्रेम, जैसे दूसरों की देखभाल और उनकी मदद करने की इच्छा से मजबूर। हमारे जीवन का उद्देश्य और अर्थ ही हमें सच्चे संतोष तक पहुंचाता है, और हमारा कर्तव्य और प्रेम हमारी इसमें मदद करते हैं। अच्छे इरादे के साथ किसी कार्य के उपयोगिता पे विचार करना हमारे जीवन में अर्थ और तृप्ति को जोड़ता है। याद रहे, हमारे जीवन में नेक इरादे ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी कार्य के लिए ईंधन। हमें अपने लक्ष्य के इरादों को जानने के लिए हर क्यों का जवाब खोजना चाहिए। जैसे हम कोई चीज या मुकाम पर क्यों पहुंचना चाहते हैं, हमें कोई काम क्यों करना है,
ऐसे क्यों का जवाब खोजकर हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बीजों का रोपण करके उसे हरा भरा करने का प्रयास में जुट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा मुकाम सिर्फ चाहने मात्र से नहीं बल्कि हमारे कर्म से हासिल होता है। नेक इरादों के साथ जीने का अर्थ ही अपना ध्यान बाहरी लक्ष्यों से हटाकर आंतरिक खुशियों की ओर केंद्रित करना है। चैप्टर 5 पर्पस। हमारा महान उद्देश्य ही हमारा धर्म होता है, और अपने धर्म का पालन हम तभी कर सकते हैं जब हमें हमारे ताकत और कमजोरियों का अंदाजा होता है। धर्म की परिभाषा देखें तो संसार की भलाई के लिए किसी सात्विक विचार को व्यवहारिक बनाने में किया गया प्रयास ही सच्चा धर्म है। हमारा धर्म हमारे वर्ण और सेवा का कॉम्बिनेशन होता है, और हमारे वर्ण की पहचान हमारे जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य से होती है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला द गाइड, जिसको हम मार्गदर्शक कहते हैं। दूसरा द लीडर, नेता। तीसरा द क्रिएटर, जिसे हम रचयिता कहते हैं। और चौथा द मेकर, जो निर्माता होता है। अपने वर्ण को पहचानने के लिए हमें अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो हमें पसंद है और हमें उसे करने में सहज महसूस होता है। अगर पसंद है तो उसमें क्या चीज है जो हमें पसंद है? क्या हमें इसके बारे में और सीखना चाहिए? बिना उद्देश्य के जीवन ठीक वैसे ही है जैसे बिन जल मछली, मतलब कि निर्जीव। हमारा उद्देश्य ही हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। हमें अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए अपने जुनून को खोजना जरूरी है। एक ऐसा जुनून जिसे हम पसंद करते हों, और जब हमारा जुनून ही हमारा उद्देश्य बन जाता है तब हम होते हैं सफल, सुखी और शांत। हमारा मनोवैज्ञानिक स्वभाव ही यह निर्धारित करता है कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारा धर्म हमारे रुचि को देखते हुए हमें उसी क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में जब हम जुनून के साथ अपने काम को करते हैं तब हमें लोगों के द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है और हमारा सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। हमारी सफलता हमारे उद्देश्य पर निर्भर करती है, और यह सबको मौका देती है, लेकिन सही टाइम जोन में। इसीलिए कोई 20 के उम्र में सफल हो जाता है तो कोई 60 के उम्र में सफल होता है। अगर हमें यह पता लगाना हो कि हमारे दिमाग में आने वाला आइडिया बेहतर है या नहीं, तो हमें अपने मन की सुनने के बजाय अपने शरीर के उस एहसास को महसूस करना चाहिए जो किसी नए आइडिया के बारे में सोचकर होता है। और अगर यह एहसास हमें आनंदित करता है तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। चैप्टर 6 रूटीन। हमारी दिनचर्या हमारे उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाती है। अच्छे दिनचर्या से दिन की शुरुआत एक मेंटल शावर की तरह होता है, जिससे दिन भर पूरी ऊर्जा और शांत मन के साथ हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा दिन कैसा बीतता है यह हमारे सुबह के पहले 2 घंटों के गतिविधियों पर निर्भर करता है। हमारी हर सुबह हमारे बीते हुए शाम पर निर्भर करती है। जिन इमोशंस के साथ हम रात में सोते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ हम सुबह जगते भी हैं। हमें शाम को ही आने वाले सुबह के लिए योजना बना लेनी चाहिए, जैसे हम कल सुबह पहला काम क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। ऐसा करके हम अपने सुबह के प्रोडक्टिव वक्त और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। हमारी नियमित दिनचर्या ही हमारे बेवजह के बोझ को कम करके हमारे रचनात्मकता को बढ़ाता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब हमारा मन, शरीर और दिमाग रिलैक्स मोड में होता है। जगह के चुनाव में भी हमें दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हमारे हर काम की जगह निश्चित होनी चाहिए, जैसे काम की, खाने की, सोने की, ध्यान और पूजा की, व्यायाम की जगह। जब हम अपने जगह का प्रयोग स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते हैं तब हमारे हर काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बेहतर परिणाम मिलता है। हमें अपने आसपास के होने वाले चाहे अनचाहे ध्वनियों पे ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं वो हमें अच्छा, खुश और स्वस्थ ही महसूस करवाए। हमें अपने दिनचर्या में समय के मेमोरी कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जब हम कोई काम रोज एक ही वक्त पर करते हैं तो हमारा शरीर, दिमाग उस काम को उस समय के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम अक्सर दूसरों से मल्टीटास्किंग बनने की सलाह पाते हैं, लेकिन हमें एक समय पर एक ही टास्क पर फोकस करके उसे कुशलता से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंतर्मन से उत्पन्न होने वाले अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन हमारे सफलता में अक्सर बाधक बनते हैं।
हमें उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। चैप्टर 7 द माइंड। हम अपने मन के साथ अपना रिश्ता मजबूत करके नकारात्मक विचारों से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे मन के अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण ही हमारी इंद्रियां होती हैं। हम इन्हें काबू में करके अपने मन को जागृत, अवगत और सचेत अवस्था में रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। हमारा हमारे मन से ठीक वैसा ही रिश्ता होता है जैसे एक बच्चे का उसके अभिभावक से, और अपने मन को सुनकर उसके जायज मांग को पूरा करके उसे संतुष्ट कर सकते हैं। हम अभ्यास से अपने दिमाग और मन को प्रशिक्षित करके भावनात्मक रूप से होने वाले दर्द पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हमें बस भावनात्मक रूप से ट्रिगर करने वाले स्थितियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए और हर परिस्थितियों का सामना संतुलित मानसिकता के साथ करना चाहिए। विचार करने वाली बात यह है कि जब हम एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख पर बार बार दुखी क्यों होते हैं। किसी भी परेशानी का हल हम अपने आप से बात करके आसानी से खोज सकते हैं। हमें अपने आप से बात करने का अभ्यास कम से कम 15 मिनट रोज करना चाहिए। यह मेमोरी बूस्टर का काम करता है और फोकस्ड रहने में हमारी मदद करता है। सच्ची खुशी के 3 रास्ते होते हैं। पहला, हमेशा सीखते रहना। दूसरा, प्रगति करते रहना। और तीसरा, लक्ष्य को हासिल करना। हमें हमेशा आत्म मंथन करते रहना चाहिए। इससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। आत्मग्लानि की स्थिति में हमें आत्मदया का भाव अपनाकर अपने साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम उनके साथ करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। हमें डिटैचमेंट का अभ्यास आजमाना चाहिए। हर चीज को उसके केयर टेकर की तरह देखना चाहिए, ना कि उसके स्वामी की तरह। इस अभ्यास में निपुण हम तभी माने जाते हैं जब कुछ हमसे दूर होने पर भी हम दुखी नहीं होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि जब मेहनत करते हैं तो होने वाला जायज दर्द हमें और भी बेहतर बनाता है। जब हम अपने अंदर करुणा, आनंद और आंतरिक स्वतंत्रता का विकास करते हैं तब हम अपने अंदर लचीलापन विकसित कर रहे होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें सफल बनाता है। चैप्टर 8 ईगो। हमारी विनम्रता हमें यह एहसास दिलवाती है कि हमें कितना नहीं आता है। हमारा यह सोचना कि हमें सब कुछ आता है हमारी लोगों से प्रतिक्रिया, स्तुति या ध्यान की भूख हमारे अहंकार को दर्शाता है। हमारा यही अहंकार हमें आगे बढ़ने और हमारे विकास में अवरोधक होता है। हम कौन है हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। हम वास्तविकता में वो ही होते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। अहंकार को खत्म करने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए, जजमेंट और क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और सबको बराबर समझना चाहिए। याद रहे, अहंकारी सम्मान चाहता है और विनम्र व्यक्ति सम्मान की प्रेरणा देता है। हमें अपनी वाहवाही बताने के बजाय दूसरों को सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। गलती होने पर हमें तुरंत अपनी गलती मानकर उसके सुधार में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। हमें हमेशा अपनी उपलब्धियों को किनारे रखकर यह याद रखना चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं। हमारी विनम्रता हमारे अहंकार को खत्म कर देती है। विनम्र रहने के लिए हमें 2 बात हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, हमारा किसी के साथ किया बुरा व्यवहार, और दूसरा, किसी का हमारे साथ किया अच्छा व्यवहार। और 2 बात हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। पहला, हमारा किसी के साथ किया अच्छा व्यवहार, और दूसरा, किसी का हमारे साथ किया बुरा व्यवहार। हमें अपने चरित्र में नमक जैसी विनम्रता लानी चाहिए। जैसे भोजन खराब बना तो सारा आरोप नमक पर, और भोजन बढ़िया बना तो नमक को कोई श्रेय ही नहीं, लेकिन नमक के बिना भोजन का कोई वजूद भी नहीं। विचार कीजिए, अपने गलतियों को याद रखना और उपलब्धियों को भूल जाना हमारे अहंकार को कम करता है, और यही सिंपल रेसिपी है विनम्रता की। हमें हमारे साथ गलत करने वालों में भी अच्छाई देखनी चाहिए और उनके उस रवैये का कारण समझना चाहिए। हो सकता हो वो खुद परेशान हो। हमें वो जगह तुरंत छोड़ देना चाहिए जहां हम इनसिक्योर फील करते हो, चाहे वो हमारी जॉब हो या हमारा रिलेशनशिप हो। हमें फीडबैक लेते वक्त अपने सलाहकार को सावधानी से चुनना चाहिए। हमें ध्यान करते वक्त विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। चैप्टर 9 ग्रेटिट्यूड। हमारा कृतज्ञ व्यवहार हमारे जीवन में नए अवसर लाता है और बाधाओं को कम करता है। अपने किसी को याद करके कॉल करना, किसी के किए मदद के लिए उन्हें धन्यवाद करना, ऐसे व्यवहार ही कृतज्ञता के बुनियाद होते हैं। हमारा बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य
रिश्ता, संतुष्ट जीवन प्रत्यक्ष रूप से हमारे कृतज्ञता पर निर्भर करते हैं। हमें हर सुबह उठकर इस धरती, इस प्रकृति, अपने अभिभावकों को धन्यवाद करना चाहिए। हमें उनका आभारी होना चाहिए। हमें हमारे मुताबिक परिणाम न मिलने पर इस तथ्य पर यकीन करना चाहिए कि ब्रह्मांड ने हमारे लिए कुछ और बेहतर चुना है। किसी को धन्यवाद करना कृतज्ञता का पहला कदम होता है, और यथाशक्ति जब हम सामने वाले को थैंक्स नोट्स या ग्रीटिंग्स देकर धन्यवाद करते हैं, तब सामने वाले बेहतर महसूस करते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग सामने वाले से बात उनके आने वाले प्रतिक्रिया के डर से नहीं करते। हमारा सेवा भाव हमारे नकारात्मक भावनाओं को कृतज्ञता में बदल देता है। हमारा व्यापक विचार हमारे दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ग्रेटिट्यूड को और आसानी से हम लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। याद रहे, ग्रेटिट्यूड से पहले फॉरगिवनेस आता है। हमें अपने फेलियर्स को भूलकर आभार व्यक्त करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड सारे गुणों की माँ होती है। जैसे माँ हमें जन्म देती है, वैसे ही ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर करुणा, आत्मविश्वास और लचीलेपन जैसे गुणों को जन्म देता है, जो हमें जीवन का सही अर्थ और दूसरों से जुड़ने का मौका देता है। हमें ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस को रोज करना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड ही है जो हमें माइंड पॉवर्टी से निकालता है। चैप्टर 10, रिलेशनशिप्स। प्रेम एक पहिए की तरह होता है। हम जो प्रेम किसी को देते हैं, वो किसी न किसी रूप में पलटकर हमारे पास जरूर आता है। हमें प्रेम बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम जिन्हें अपना प्रेम दे रहे उन्हीं से वापस हमें वो प्रेम मिले। हम जो प्रेम संसार में बांटते हैं, वो हमें किसी भी स्रोत से पलटकर मिल सकता है। हम सब इस नियम को तो अच्छे से जानते हैं कि हम जो देते हैं हमें पलटकर वही मिलता है। हमें अपने जीवन में उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो सक्षम, सावधान, चरित्रवान और सतत प्रयास करने वाले होते हैं। हमें उनके गतिविधियों और इरादों को देखना चाहिए। हमें उनके बात, उनके वादों के वैल्यूज को देखना चाहिए। हमें हमारे परिवार के लोगों के अलावा भी सारे रिश्तों को परिवार की तरह ही देखना चाहिए। ऐसा करके हम उनके और समीप आते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है। हमारे जीवन में जुड़ने वाले हर व्यक्ति किसी कारण से ही जुड़ते हैं। अब यह हम पे निर्भर करता है कि हम अपना रिश्ता उनसे कैसे निभाते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी अनजान लोगों से रिश्ता बनाना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में सामने वाला हमारे हर उम्मीद पर खरा उतरता है, तो हमें उन्हें कभी भी नहीं खोना चाहिए। विश्वास के 4 स्टेज होते हैं। पहला न्यूट्रल, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा म्यूचुअल और चौथा प्योर। हमें अपनों से भरोसे का रिश्ता म्यूचुअल या प्योर ही रखना चाहिए। हमें आकर्षण और जुड़ाव में अंतर समझना चाहिए। आकर्षण हमारा किसी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन जुड़ाव उनसे ही होता है जो हमारे जैसे होते हैं। हमें आकर्षण रूप रंग से होता है, लेकिन जुड़ाव हमें सामने वाले के व्यवहार और चरित्र से होता है। रिश्तों में भी हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें प्यार भरे आदान प्रदान के महत्व को समझना चाहिए। जैसे किसी को कोई उपहार देते वक्त हमें नेक इरादों से देना चाहिए, और बदले में सामने वाले को भी हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए। सफलता, पैसा, करियर, अच्छी सेहत उस वक्त निरर्थक हो जाती है जब हमारे पास एक अच्छा रिश्ता नहीं होता है। जब हमें यह पता रहता है कि हमें क्या चाहिए, तब हम अपने जीवन में सही लोगों को आकर्षित करते हैं। चैप्टर 11, सर्विस। हमें महान जीवन के परिवर्तन के 3 चरणों के बारे में जानना चाहिए। पहला, हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। दूसरा, हमें अपने वैल्यू को पहचान कर सेवा करने का मौका तलाशना चाहिए। और तीसरा, मौका मिलने पर तहे दिल से अपने आप को सेवा में तत्पर कर देना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सामान्य उद्देश्य ही दूसरों की सेवा होना चाहिए। हमारा निस्वार्थ सेवा भाव हमारे शरीर और आत्मा दोनों के लिए ही लाभप्रद होता है। सेवा हमें दूसरों से जोड़ता है, हमारे आत्मसम्मान, करुणा भाव और कृतज्ञता को बढ़ाता है। हमें सेवा के नजरिए को समझना चाहिए, और सेवा करते वक्त उसके बदले में कुछ लेने का विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। हमें अपने और अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमारा ऐसा सोच हमें मूल्यवान महसूस करवाता है। हमें यह पता करते रहना चाहिए कि हम कब सही और निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार होंगे, और यह हम अपने इरादों के बारे में जानकर कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि
सेवा हमें अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपने धर्म में रहकर ही करना चाहिए। हमें अपना चरित्र ऐसा बनाना चाहिए कि सबका सुख हमें अपना लगे और सबका दुख भी हमें अपना लगे। यह भी सेवा का एक अमूर्त भाव है। याद रहे, सेवा भाव से ही हम सीधे अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता पाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की समरी यहां पर खत्म होती है। बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। बात करें बुक के कवर की तो यह एक आकर्षण भरा कवर है। लेखक के आश्रम का अनुभव और उनके गुरुओं द्वारा सीख पढ़कर हमें एहसास होता है कि हम अपने कल्पना में वहां से होकर आए हैं। लेखक का इस किताब के जरिए आश्रम के अनुभवों को महसूस कराने का प्रयास अद्भुत है। यह किताब वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है और हमें मॉन्क की तरह सोचकर सफल, सुखी और शांत रहने का तरीका सिखाती है। यदि आप एक एवरेज रीडर हैं, तो इसे 8 से 10 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह बुक Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं। अगर आपको यह समरी और रिव्यू पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ इसे शेयर भी करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा और आगे कौन सी किताब या कहानी के बारे में आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।